नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। बात करेंगे सेमीफाइनल्स की, बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की और साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान की। और हालांकि इस मैच की बात नहीं करेंगे हम, इनमें जो अंपायर्स नियुक्त कर दिए गए हैं उनकी बात करेंगे कि क्या पनौती अंपायर जो है वो टीम इंडिया के मैच में होगा या फिर नहीं होगा। जी हाँ, हम सभी को पता है कि 2014 से रिचर्ड कैटलबरो किस तरह से एक वो नाग बनकर बैठ गए हैं कि जब वो आते हैं टीम इंडिया बड़े मैच में हार जाती है। तो फैंस यही जानना चाह रहे हैं क्या इस बार वो सेमीफाइनल मैच में होंगे या फिर नहीं। तो एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि कौन से मैच में कौन से अंपायर हैं और रिचर्ड कैटलबरो कौन से अंपायर बनेंगे किस मैच में। तो शुरू करते हैं पहले अफगानिस्तान वाले मैच से, जो कि पहला मैच खेला जाने वाला है। वहां पर जब साफ तौर पर हम देखेंगे तो जो ऑन फील्ड अंपायर होंगे वो होंगे रिचर्ड इलिंगवर्थ एंड नितिन मेनन। इसके साथ रिचर्ड कैटलबरो वहां पर टीवी अंपायर होंगे और फोर्थ अंपायर एहसान रजा होंगे, जो बांग्लादेश और नेपाल के मैच में थे, जो रेफरल लेना था वहां पर बांग्लादेश को, तो वहां पर दे दिया था जो कि नियमों के खिलाफ था। अब इसके बाद जब बात करते हैं हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, तो वहां पर बहुत बड़ी खुशखबरी है फैंस के लिए कि रिचर्ड कैटलबरो वहां पर नहीं नजर आएंगे, ना टीवी अंपायर के रूप में ना ऑन फील्ड अंपायर के रूप में। अब अगर ऑन फील्ड अंपायर के रूप में वहां पर हम देखें अंपायर्स को, तो क्रिस गैफनी होंगे एंड रॉडनी टकर होंगे, जबकि टीवी अंपायर के रूप में जॉल विल्सन होंगे और फोर्थ अंपायर पॉल रिफल होंगे। तो यानी ये सारे के सारे अंपायर हैं जहां पर साफ तौर पर आपको रिचर्ड कैटलबरो नजर नहीं आएंगे, जो कि लगातार जब इंडिया हारी थी 2014 का वो फाइनल हो तब वहां पर मौजूद थे रिचर्ड कैटलबरो, 15 का वर्ल्ड कप जो सेमीफाइनल था वहां पर ये मौजूद थे, 16 के T20 वर्ल्ड कप में मौजूद थे, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में मौजूद थे, 19 के जो सेमीफाइनल था वो 2019 का वो वहां पर मौजूद थे, और इसके बाद 2023 का जो वर्ल्ड कप था ये वहां पर भी मौजूद थे। तो यानी मतलब बहुत सारी जगह जहां पर इंडिया हारी है ये साफ तौर पर वहां पर मौजूद रहे हैं, लेकिन यहां पर फाइनली खुशखबरी है फैंस के लिए कि रिचर्ड कैटलबरो आपको नजर नहीं आने वाले हैं इस मैच में। तो बताइए क्या लगता है आपको, क्या इनके ना होने से टीम इंडिया के लिए रास्ता आसान हो गया है, ये जो पनौती है वो हट गई है या फिर नहीं, जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए।